नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10T वर्सेस Xiaomi Redmi 10 Power का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 10T में 6.37 इंच जबकि Redmi 10 Power में 6.67 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Note 10T में 2.96 इंच जबकि Redmi 10 Power में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Note 10T में 0.35 इंच जबकि Redmi 10 Power में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 10T में 190 ग्राम जबकि Redmi 10 Power में 203 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Note 10T से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Note 10T में 20:9 जबकि Redmi 10 Power में 20:6:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 10T में 6.5 इंचेस जबकि Redmi 10 Power में 6.71 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 10T में 1080x2400 और Redmi 10 Power में 720x1650 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 10T में 83.72% जबकि Redmi 10 Power में 82.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 10T में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi 10 Power में 268 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 10T में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 10 Power की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 10T में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Redmi 10 Power में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 10T में माली G57 MC2 जबकि Redmi 10 Power में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 10T में MediaTek Dimensity 700 MT6833 और Redmi 10 Power में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 10T में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Redmi 10 Power में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 10T में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi 10 Power में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 10T में अप टू 1TB जबकि Redmi 10 Power में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Note 10T में 5000 mAh जबकि Redmi 10 Power में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 10T में 4 कलर्स जबकि Redmi 10 Power में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 10T में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,750 रुपीस में मिलता है। और बात करें Redmi 10 Power की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 10 T में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 10 Power की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi 10 Power आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Note 10 T आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 Pro है, दूसरा Nokia 3.4 है, तीसरा Vivo V20 SE है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 Play है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।